टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट मॉड्यूल कैबिनेट। तो ये है हमारा मॉड्यूल कैबिनेट। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे जो हम लोग का पूरा जो एक लूप कंप्लीट होता है पूरा हम लोगों का DCS से पूरा फील्ड तक, तो उसमें से एक पोर्शन है ये वाला मॉड्यूल कैबिनेट। तो उसमें हम बताए थे उसमें हम लोग का 4 रैक होता है और 4 रैक में हर एक रैक में 8 कार्ड होता है, मतलब 8 हाँ इनपुट आउटपुट कार्ड होता है। तो देखिए ऐसे 4 रैक होता है, इसमें 4 कार्ड होता है। तो अभी हम उसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये देखिए पहला हमारा जो रैक 1 है, जो पहला वाला मॉड्यूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं DPU। जो इस अपना ये जो रैक कार्ड है, ये पूरा जो रैक है, ये इसका अपना CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो ये CPU जैसे काम करता है। तो इसका नाम क्या है? DPU। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो हर इसमें जो इसको छोड़ के 7 कार्ड होता है, ठीक है, ये बाकी सब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है, इनपुट आउटपुट कार्ड होता है। तो ये जो कार्ड कहाँ है, ये जो पैनल है, जो कैबिनेट है, इसके पीछे क्या होता है? ऐसे हम लोग एक PCB एक बोर्ड होता है, ठीक है, हर रैक के पीछे, जैसे रैक 1, रैक 2, रैक 3, रैक 4, हर रैक के पीछे ऐसे PCB बोर्ड होता है। और उस बोर्ड में जाके एक कार्ड इंसर्ट हो जाता है, जैसे देखिए पिन लगा हुआ है, ऐसे पिन होता है, तो उसमें हर एक कार्ड जाते हैं उसमें इंसर्ट होता है। देखिए जैसे ऐसे एक कार्ड होता है, ऐसे टाइप के उस पीछे में अपना पोर्ट रहता है ऐसे करके। तो ये क्या होता है, ये जो पिन है, पिन के आधा जाके अपना सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्किट बोर्ड है, इसमें क्या होता है, सब इनपुट आउटपुट सिग्नल जाके इसमें जाके मतलब ये होता है, सब एक जगह होता है, ठीक है। उसमें से क्या होता है, सब कुछ ये हमारा जो DPU है, ये पूरा इनपुट आउटपुट सिग्नल जितना भी आता है फील्ड से, वो अपना वो उसको रीड कर लेता है, ठीक है, वो रीड करता है। उसके बाद क्या करता है, वो सिग्नल वो ऑप्टिक्स फाइबर केबल के जरिए हमारा जो कम्युनिकेशन पैनल होता है उसमें वो भेजता है। उसके बाद हम लोगों का जो DCS का जो हम लोग कंप्यूटर होता है उसमें आ जाता है। तो और ये देखिए कार्ड है, ये कार्ड में फ्यूज भी होता है, ठीक है। और एक कार्ड में हम लोग और एक चीज़ देखते हैं, जो कार्ड में हम लोगों का जो दो तरह का मोड हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक अपना पावरिंग मोड, एक हमारा नॉन पावरिंग मोड। तो पावरिंग मोड मतलब क्या है, पावरिंग मोड मतलब फील्ड में मान के चले हम लोग का कोई अपना ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, ये जो हमारा कार्ड से होते हुए वो ट्रांसमीटर को पावर अप कर सकते हैं। इधर से वोल्टेज जाएगा, कार्ड से वोल्टेज जाएगा वो अपना ट्रांसमीटर को अपना हेल्दी करने के लिए। तो एक कार्ड के जरिए 24 वोल्ट जाएगा कार्ड अपना ट्रांसमीटर में फील्ड में, और उसका सिग्नल इसमें ही आएगा। और एक जो होता है हम लोगों का नॉन पावरिंग मोड, जो नॉन पावरिंग मोड है, एक मिनट देखिए, तो एक पावरिंग मोड होता है, एक हमारा नॉन पावरिंग मोड होता है। इसमें तो पावर इधर से जाता है फील्ड से, उसका फील्ड का अपना ट्रांसमीटर या कुछ भी हो उसका हेल्दी करता है, फिर उसका जो आउटपुट वैल्यू इसमें आता है, ठीक है। और एक होता है हम लोगों का नॉन पावरिंग मोड, इसमें क्या होता है, जो फील्ड का जो भी इक्विपमेंट है, जो भी हम लोगों का डिवाइस है, उसको पावर कार्ड के होते हुए नहीं जाता है, उसको पावर कहीं और से आता है। तो इसके लिए उसको पावर का ज़रूरत नहीं होता है। तो हम लोग इस कार्ड में जम्पर सेटिंग होता है, तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, उसको उसके वजह से क्या होता है, हम लोग कार्ड से होते हुए पावर नहीं जाएगा फील्ड में, बस फील्ड से जो उसका वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू है, वो सिर्फ आएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पावरिंग मोड।
तो जो जम्पर होता है तो कैसे सेट होता है? ऐसे मैं एक डायग्राम बनाने के लिए कोशिश किया हूँ। जैसे हम लोगों का ऐसे सीरीज में रहेगा, मतलब दोनों पैरेलल में ऐसे रहेगा, ठीक है, एक पैरेलल में और एक रहेगा, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज जाएगा, ठीक है, और एक अपना ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, तो उसमें क्या होता है, आउटपुट आएगा फील्ड से, करंट आएगा, वोल्टेज नहीं जाएगा। ये हमारा नॉन पावरिंग मोड है। ठीक है, तो ऐसे जम्पर हम लोग सेट करते हैं। एंड ये सब सिग्नल जब आएगा कार्ड में, और उसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो मॉड्यूल कैबिनेट होता है, उसके बाद सिग्नल जाता है हम लोगों का कम्युनिकेशन पैनल है उसमें जाता है। उसके बाद क्या होता है, लैन के जरिए, इसके बाद कम्युनिकेशन पैनल से लैन के जरिए, और एक पैनल होता है कम्युनिकेशन, इसके बाद पिछले वाला ड्राइंग में आपको बताए थे उसमें क्या होता है, ये वाला जो ड्राइंग है इसमें जो हम लोग का जो मॉड्यूल कैबिनेट है, उसके बाद जो हम लोग जो सिस्टम कैबिनेट है, इधर से क्या होता है, हम लोग का लैन के जरिए जितना सारा हम लोग का ऑपरेटिंग जो स्टेशन होता है, बहुत सारा हम लोगों का डीसीएस का अपना डेस्कटॉप होता है उसमें, तो वो लैन के जरिए सब में कनेक्ट, मतलब कनेक्ट होता है। तो इसके बाद जो सिग्नल जाता है, तो वो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके जरिए सब जो हम लोगों का डिस्प्ले है सब में आ जाता है सिग्नल। तो इसका रीजन क्या है, सब लैन के जरिए जाएगा क्योंकि सब डिस्प्ले में सेम वैल्यू दिखाना चाहिए, तो एक हम लोग का यूनिवर्सल जो नेटवर्क होना चाहिए जहाँ से सब में सेम वैल्यू शो करेगा। तो आज का वीडियो ही तक, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।